विंटर सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में हवा बहुत ड्राई होती है, जिस वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हमारे बाल भी ड्राई हो जाती हैं। तो जिस तरह से हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं, उसी तरह से हमें अपने बालों का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप अपने बालों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो बालों का टूटना झड़ना शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी रफ हो जाते हैं। तो इस सीजन में बालों को भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रियंका शर्मा. I hope you all are doing great. I am also doing great. So guys, winter season शुरू हो चुका है और अभी आने वाले time में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. So अपना ध्यान रखें, अपने family members का ध्यान रखें और साथ ही अपनी skin का और अपने बालों का भी ध्यान रखें. अगर आप डेली छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने बालों का ध्यान रख सकती हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर हेयर केयर रूटीन, जिससे बाल ड्राई नहीं होंगे और बालों के टूटने झड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स गेट स्टार्टेड. गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम अपने बालों पर तेल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बालों से बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, चिपचिपाहट होती है, बदबू आती है. लेकिन सर्दियों के मौसम में तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं. तो सर्दियों के मौसम में तो आप अपने बालों पर तेल लगा करके रख सकते हैं, राइट? वैसे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बालों पर तेल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब जिसको एक्सक्यूज बनाने होते हैं वो तो सर्दियों में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे कि बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए हम अपने बालों पर तेल नहीं लगा रहे हैं, या गर्मी में बहुत ज्यादा पसीने आते हैं इसलिए बालों पर तेल नहीं लगाना है. ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं. अगर आप एक्चुअल में अपने बालों की केयर करना चाहते हैं, आपको लंबे सुंदर घने बाल चाहिए, तो थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ते हैं. और खासकर सर्दियों के मौसम में हेयर वॉश करने से पहले बालों पर तेल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और सर्दियों के मौसम में आप ऐसे तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, जिन्हें आप गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल. तिल का जो तेल होता है उसकी तासीर गर्म होती है, इसी वजह से मैं सर्दियों में अपने बालों पर तिल का तेल इस्तेमाल करती हूँ और गर्मियों के मौसम में थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज इसकी तासीर गर्म होती है. सेसमे ऑयल या तिल का तेल बालों की रूट्स में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है, बालों को ड्राई होने से बचाता है और साथ ही साथ आपके बालों में बहुत अच्छी चमक आती है या आपके बालों को बहुत ज्यादा घना बनाता है. तो तिल के तेल में आप कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं. और अप्लाई करने से पहले आपको डबल बॉयलर प्रोसेस से तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही अपने बालों पर अप्लाई करना है. और खासकर सर्दियों के मौसम में तो आपको हॉट ऑयल मसाज अपने बालों पर जरूर करनी चाहिए, इससे भी बाल ड्राई नहीं होते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं आती है. और विंटर सीजन में ओवरनाइट हमें अपने बालों पर तेल लगा करके रखना चाहिए क्योंकि ना तो कोई पसीने की प्रॉब्लम आती है, चिपचिपाहट नहीं होती है, ना तो कोई स्मेल की प्रॉब्लम आती है. तो आप ओवरनाइट भी अपने बालों पर तेल को लगा करके रख सकती हैं और सुबह आप हेयर वॉश कर सकती हैं. इसके अलावा अलसी का जो जेल होता है, अलसी के जेल की तासीर भी गर्म होती है इसलिए गर्मियों में मैं इसे लगाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ. बट सर्दियों के मौसम में मैं अलसी जेल अपने बालों पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ. वीक में एक बार मैं बाल धोने से पहले अलसी का जेल जरूर अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये भी हमारे बालों को ड्राई नहीं होने देता. अलसी लगाने के बाद बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है और बालों का टूटना झड़ना भी कम होता है. तो अलसी का जेल भी आप सर्दियों के मौसम में अपने बालों पर जरूर इस्तेमाल करें. अलसी जेल किस तरह से बनाते हैं ये मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरी कोई और वीडियो नहीं देखी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक कप पानी बॉईल करना है और इसमें आपको ऐड करनी है एक या दो स्पून अलसी के बीज और साथ ही आपको थोड़ी सी मेथी भी इसमें ऐड करनी है. और आपको ये तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसका जेल ना बन जाए. बीच बीच में आपको ये चेक करते रहना है. जैसे ही जेल बनना शुरू हो जाता है गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लीजिए और इसे तुरंत ही छान लीजिए क्योंकि एक बार जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे छानना थोड़ा सा मुश्किल होता है. अलसी जेल में मैं बहुत सारे ऑयल्स को मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ. जैसे मैं इसमें ऐड करती हूँ ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और साथ ही सेसमे ऑयल या तिल का तेल. तो इन सभी ऑयल्स को अलसी जेल में मिक्स करके मैं अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ. बट आप चाहें तो अलसी जेल में अपनी पसंद का कोई एक तेल भी मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं और एक डेढ़ घंटे इसे अपने बालों पर लगा रहने दीजिए और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए. वीक में एक बार हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों पर अलसी जेल और ऑयल्स को मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ
और दूसरी बार मैं सर्दियों के मौसम में भी अपने बालों को एक वीक में दो बार धोती हूँ। सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से बहुत सारे लोग वीक में एक ही बार बाल धोते हैं, बट मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि सर्दी हो या गर्मी हो, एक वीक में हमें दो बार बाल जरूर धोने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है ना, बालों पर आना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही आपको अपने बालों पर ऑयलिंग करनी है, अच्छे से ऑयलिंग करनी है और हेयर वॉश करने हैं। तो वीक में आपको चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, दो बार बाल जरूर धोने चाहिए। और दूसरी बार बाल धोने से पहले मैं अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ अनियन जूस। क्यों? क्योंकि अनियन जूस लगाने के बाद हमारे बालों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो गर्मियों के मौसम में इसीलिए मैं अनियन अपने बालों पर लगाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन सर्दियों के मौसम में मैं भर भर के अनियन जूस भी अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। तो आपको एक अनियन लेना है, इसे रफली चॉप करके आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके आपको इसे छान लेना है और आपका अनियन जूस तैयार हो जाता है। और इसमें भी आपको अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ऐड करना है। मैं इसमें बहुत सारे ऑयल्स मिक्स करती हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई एक ऑयल भी इसमें ऐड करके मिक्स करके अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कर सकती हैं। तो मेरी विंटर हेयर केयर रूटीन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वीक में मैं दो बार हेयर वॉश करती हूँ और एक बार हेयर वॉश करने से पहले मैं अलसी जेल और तेलों को मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ, और दूसरी बार मैं अनियन जूस और बहुत सारे ऑयल्स को अगेन अनियन जूस में मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। और चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको बाल धोने के लिए हमेशा ल्यूकवॉर्म वाटर यूज करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गर्म गर्म पानी से, यू नो, ठंड की वजह से गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, बाल धोते हैं, जो हमारे बालों को, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है। तो सर्दियों के मौसम में भी बाल धोने के लिए ल्यूकवॉर्म वाटर ही इस्तेमाल करें, और खासकर विंटर सीजन में बाल धोने के बाद लीव इन कंडीशनर आपको अपने बालों पर जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे बाल ड्राई नहीं होंगे, फ्रीजी नहीं होंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप लीव इन कंडीशनर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल को भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर आर्गन ऑयल भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। आर्गन ऑयल बहुत ही ज्यादा लाइट ऑयल होता है, तो आप इसे अपने बालों पर नहाने के बाद भी यूज कर सकते हैं, बट आपको भर भर के इस्तेमाल नहीं करना है। जस्ट थोड़ा सा आर्गन ऑयल अपनी पाम्स पर ले लें, अच्छे से रब कर लें और अपने पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लें, इससे भी बाल ड्राई नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको बाल धोने के बाद माइक्रोफाइबर टॉवल ही अपने बालों पर यूज करना है, और गीले बालों को आपको कभी भी कंघी नहीं करनी है, क्योंकि गीले बाल बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं और अगर थोड़े भी आपके बालों में टैंगल्स होंगे तो बाल टूट जाते हैं। बाल धोने के बाद बालों में काफी ज्यादा टैंगल्स आ जाते हैं, तो बालों को डीटैंगल करने के लिए वाइट टूथ कॉम्ब का यूज करें, इस्तेमाल करें। इसके अलावा नेचुरल कंडीशनर आपको अपने बालों पर जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे मेथी का जो पानी होता है वो आपको अपने बालों पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, पानी को बॉयल करना होता है, 2-3 चम्मच इसमें मेथी दाना डालना है और अच्छे से बॉयल करने के लिए रखना है। 4-5 मिनट तक आप धीमी आंच पर इसे अच्छे से बॉयल कर लें और उसके बाद इसे छान लें, और जब आप हेयर वॉश करते हैं तो उसके बाद ही आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है, और इसके बाद आपको पानी से अपने बालों को नहीं धोना है। तो विंटर सीजन में नेचुरल कंडीशनर भी आपको अपने बालों पर जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। सर्दियों के मौसम में हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है, तो टाइम टू टाइम मैं अपने बालों पर हिना एप्लीकेशन भी करती हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सर्दियों के मौसम में एटलीस्ट 2 बार मैं अपने बालों पर हिना जरूर अप्लाई करती हूँ। सर्दियों के मौसम में आपको हिना किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी आपको एटलीस्ट 1 बार हिना एप्लीकेशन अपने बालों पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि हिना हमारे बालों को डीपली कंडीशन करती है, हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आपको रात को सोने से पहले 2 मिनट तक अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है, इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। इसके अलावा आपको खुले बालों के साथ नहीं सोना है, आप बाल बांध कर ही सोएं, ढीली ढीली आप पोनी टेल बना सकते हैं, बन बना सकते हैं, लेकिन खुले बालों के साथ आपको नहीं सोना है। इसके अलावा आपको हीटिंग टूल्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर आप हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे पहले आपको हीट रेजिस्टेंट स्प्रेज अपने बालों पर अप्लाई करनी है, ताकि आपके बालों को कम नुकसान पहुंचे। कई बार क्या होता है, हम अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बालों के जो एंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप ऑयलिंग अपने बालों की करते हैं तो एंड्स पर आपको कर्ड या फिर जो मिलाई होती है, जो दूध के ऊपर मिलाई जमती है,
वो अपने बालों के एंड्स पर अप्लाई करनी है, इससे भी बाल ड्राई नहीं होते हैं। सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से पानी पीने का ज्यादा मन नहीं करता है, प्यास नहीं लगती है, लेकिन आपको सर्दियों के मौसम में भी 6 से 8 गिलास पानी की जरूर पीनी है। एक दिन में आपको 6 से 8 गिलास पानी की जरूर पीनी है। तो कहने का मतलब है कि सर्दियों के मौसम में भी आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और बैलेंस डाइट जरूर लेनी है। अब बाहर से आप कई कुछ अपने बालों पर अप्लाई कर रहे हैं, अनियन जूस अप्लाई कर रहे हैं, अलसी जेल अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे तेल लगा रहे हैं, इतना सारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप अच्छी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो इससे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में भी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और अच्छी बैलेंस डाइट लें, और साथ ही 1 घंटा ना सही लेकिन आधा घंटा आपको कोई भी अपनी पसंद की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, चाहे वो वॉकिंग है, रनिंग है, आपको स्किपिंग करनी है, या आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो जो भी चीज आपको पसंद है एटलीस्ट आधा घंटा आपको वो जरूर करनी है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, बहुत ज्यादा आलस आता है, ठंड होती है तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। और अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो ज्यादा वेट गेन सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, हमारा कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, आलस आता है, बट आपको एटलीस्ट आधा घंटा जरूर निकालना है और अपनी पसंद की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ठंड के मौसम में आपको किस तरह से अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके बाल ड्राई ना हो और बालों के टूटने झड़ने की प्रॉब्लम भी ना आए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो के नीचे ये जो लाइक का बटन है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।